दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैंने 20 आइडिया लिए हैं और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक एक करके। तो पुराने कपड़ों से हम क्या क्या बना सकते हैं, ये वही 20 आइडिया है। तो वो एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और जल्दी से जल्दी दिखाऊंगी, तो जल्दी जल्दी देख लेना क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला आइडिया है हमारा ये। तो देखिए ये है पुराना दुपट्टा। देखिए इस तरीके से आप पुराने दुपट्टे का हेयर टॉवल बना सकते हो, ठीक है, जो कि बहुत ही महंगे महंगे आते हैं, 100 का 150 का इस तरीके से आते हैं ये वैसे। और ये बहुत ही बिल्कुल फ्री में बना हुआ है, इसको बनाना मैंने अपने इसी चैनल पर बताया हुआ है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर लेना। तो पहला आइडिया हमारा ये है और चलिए दूसरा आइडिया है हमारा ये। तो ये भी मेरे पुराने दुपट्टे से बना हुआ है और ये देखिए मैंने ऐसे चादर फोल्ड करके केवल इसको सिल दिया है। इसको मैं ऐसे करके हैंग करके रखती हूँ, हाथ मुंह जब भी धोते हैं, बच्चे वगैरह धोते हैं या फिर हम धोते हैं, तो जब भी आप इससे पोंछने के काम में ले सकते हो, बहुत ही अच्छा रहता है। बच्ची हिला रही है। तो चलिए तीसरा आइडिया है हमारा ये। तो देखिए छोटे से कपड़े में से ये शर्ट का पीस बचा हुआ था, उसमें से मैंने ये बच्चे के लिए कैप भी बनाई है। इस तरीके से भी आप यूज में ले सकते हो कपड़ों को, जो भी छोटे छोटे हमारे बच जाते हैं हम कुछ बनाते हैं। तो तीसरा आइडिया हमारा ये। अब चलिए चौथा आइडिया है हमारा ये। तो देखिए ये बेडशीट है, ये इसका हम रियूज नहीं बताने वाले हैं। तो देखिए बेडशीट हमारी क्या होता है, कभी कभी बार बार पर हटती है किसी बेड पर से, तो आप इस तरीके से इलास्टिक लगा सकते हो अपने पूरी बेडशीट के चारों तरफ और केवल आपको कॉर्नर कट करने और इस तरीके से चारों तरफ आपको बेडशीट आप लगा सकते हो बेडशीट पर इलास्टिक। तो ये हमारा पाँचवा आइडिया है। और अगर आपको बेडशीट पर इलास्टिक बनाने लगाना देखना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के पास उसका वीडियो शेयर कर दूंगी। अब अगला आइडिया हमारा ये। तो ये है रोटी कवर। रोटी जो हमारा रोटी का टोकरा होता है उसमें आपको इस तरीके से रोटी के अंदर उसको रख देना है और ऊपर से उसको इस तरीके से ढक देना है। तो ये हमारा रोटी कवर है इस तरीके से। अब चलिए अगला आइडिया हमारा। तो ये देखिए छोटी सी टॉवल थी, अब इसे मैं 2 साल से यूज कर रही हूँ, बिल्कुल भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इसको मैं किचन में यूज करती हूँ हाथ वगैरह पोंछने के लिए, क्योंकि हाथ बार बार पर धुलने होते हैं और पोंछने भी होते हैं, तो हम इस तरीके से टॉवल बना सकते हैं। कोई भी रूमाल हो, पुरानी बड़ी टॉवल हो, उससे आप आदि कर लीजिए, इस तरीके से टॉवल बना सकते हो। ऊपर की साइड में मैंने ये टी शर्ट लगाई है, इस तरीके से हैंडल लगा दिया है, केवल कुछ नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो सारे के सारे आइडिया बहुत ही सिंपल से हैं, कोई भी कठिनाई वाला नहीं है। अगला आइडिया हमारा ये। तो देखिए इस तरीके से आप कोई भी किट बना सकते हैं, बहुत ही काम में आते हैं। तो मैंने तो इसमें सॉक्स भर के रखे हुए हैं, तो आप कुछ भी भर के रख सकते हो और बहुत ही ज़्यादा ऐसी किटें काम में आती हैं। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो कॉमेंट कर देना। अगला आइडिया है हमारा ये। तो देखिए ये भी टॉवल से बना हुआ है, जो भी टॉवल होती हैं इस तरीके से आप हैंड ग्लव्स तो साफ सफाई में या फिर जमीन पे सब जब हमारी झाड़ू लग जाती है, थोड़ा बहुत हिस्सा गंदा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आप इस तरीके से साफ कर सकते हो। तो मेरा तो ये बहुत ही काम में आता है। कभी कभी क्या होता है, रात को बच्चे गंदे ही कर देते हैं कमरे में, तो मैं इसी से ही पूरे कमरे को साफ कर देती हूँ। अब अगला आइडिया है हमारा ये। तो देखिए ये कितने यूज हो चुके हैं मेरे, ये फट चुके हैं। अब देखिए इस तरीके से भी आप रोटी कवर बना सकते हो। तो पहले मैंने बताया ये, इस तरीके से भी आप रोटी कवर बना सकते हो, एक नीचे रखने के लिए एक ऊपर से ढकने के लिए। अगला आइडिया है आप हमारा ये। तो आपके यहाँ बच्चे हैं या फिर कोई भी छोटा मोटा सामान रखना है, रूमाल वगैरह रखने हैं, जैसे कि सॉक्स बताए, सॉक्स वगैरह रखने हैं, तो इस तरीके से बिना जिपकी किट भी बना सकते हो आप, वो बहुत ही अच्छी रहती है। तो मैंने तो इसमें फटे टूटे कपड़े भर रखे, क्योंकि बच्चे हैं, कभी उल्टी कर ली, कभी कुछ फैला दिया, कभी पॉटी कर ली, तो के लिए कपड़े जो साफ करने के काम में आते हैं। ये है कि कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ छूना नहीं होता, पट्टी वगैरह कर लेते हैं तो फटाफट से ऊपर से ऐसे करके खींच लो, चैन वगैरह खोल नहीं पाते हैं कभी कभी, तो इस तरीके से इसलिए मैंने ये बनाया हुआ है।
अगला आइडिया है हमारा ये। तो देखिए इस तरीके से सब हमारे यहाँ शर्ट पीस होते हैं, पैंट पीस होते हैं, तो इस तरीके से आप बच्चों के लिए घेरदार नेकर बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं पहनने के बाद में बच्चों के ऊपर ये। और देखिए एक ये पैंट है, ये भी मैंने ये पैंट पीस में से बनाया है ये। तो इस तरीके से भी आप पैंट बना सकते हो बच्चों के लिए, सिंपल तरीके से बनाया है बिल्कुल। वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। अगला आइडिया हमारा ये, इस तरीके से देखिए पुरानी लेस से और कपड़े से आप यूज करके इस तरीके से आप कुशन कवर बना सकते हो, बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। दूसरा कुशन कवर है ये, तो इसमें मैंने आड़ी आड़ी लगाई है, इसमें मैंने सीधी सीधी पट्टियां लगाई है, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। इसमें मैंने जिप लगाई है और इसमें मैंने जिप नहीं लगाई है, तो दोनों ही अलग अलग तरीका है बनाने के। इसका भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर देना। अगला आइडिया हमारा ये, तो ये देखिए मशीन कवर है, इस पर ढकने का मशीन कवर है, ये नीचे तक आया था, अभी मैंने ऐसे ही रख दिया है। और देखिए पुरानी बेडशीट वगैरह होती हैं या फिर कंबल होते हैं हमारे यहाँ, तो इस तरीके से आप दरी वगैरह बना सकते हो। देखिए खाट वगैरह होती है किसी किसी के यहाँ, तो कंबल पे आप इस तरीके से बेडशीट चढ़ा के और यूज में ले सकते हो, गद्दे का काम बना सकते हो। देखिए इस तरीके से मैंने गद्दा बनाया हुआ है, तो इसके अंदर मोटा वाला जो कम्बल होता ना वो है, ऊपर से मैंने बेडशीट को चढ़ाया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा कम्बल भी यूज में हो गया और बेडशीट भी यूज में हो गई और हमारा गद्दा की गद्दा बन के रेडी हो गया। तो ये मैंने छोटा बनाया है, और आप क्योंकि मैंने किए थे एक बड़ा वाला जो कम्बल होता है ना उसमें से चार पीस किए थे, तो अगर आपके यहाँ बड़ा वाला कम्बल है उस या तो उसे ऐसे डबल करके ऊपर से कवर चढ़ा दीजिए तो मोटा गद्दा बन जाएगा, या फिर उसमें से दो पीस कर लीजिए तो आपके दो गद्दे बन के रेडी हो जाएंगे, या फिर इस तरीके से आप। तो मैंने ये बच्चों के लिए खासकर बनाया है बच्चों के बिछौने के रूप में। अब देखिए अगला आइडिया, आपके यहाँ बच्चे हैं तो आप इस तरीके से बेबी सीट बना सकते हैं। ये देखिए आपको आवाज आ रही होगी ना, वाटर प्रूफ है ये बिल्कुल। और ये देखिए इस शेप में मैंने राउंड शेप में बनाई है हल्का सा, और इसकी बहुत ही थिक है, और क्योंकि एक तरफ से इसमें प्लास्टिक है और एक तरफ से बहुत सारे लेयर में कपड़े लगे हुए हैं, तो दूसरी हमें इसके ऊपर से बेबी शीट बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही से काम हो जाता है। अगला आइडिया है हमारा ये, तो देखिए ये मैंने कुर्ती पुरानी साड़ी में से बनाई हुई है, बहुत सारे मैंने वीडियो भी बनाए हुए हैं इसके साथ में। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है मुझे, सबको मतलब जो मैं डेली में पहनती हूँ ना सब कुर्तियों से प्यारी लगती है मुझे ये, पता नहीं यानी क्यों, क्योंकि इसका जो कलर है ना बहुत सारे कलर हैं इसमें, और मुझे जो बहुत सारे कलर होते हैं ना बहुत ज्यादा पसंद आते हैं ऐसे कपड़े। तो देखिए इस तरीके से मैंने नायरा कट में कुर्ती बनाई है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से भी आप कुर्ती बना सकते हो, और ऐसे ही बाजार में भी आ रही है, ऑनलाइन भी आ रही है, लेकिन आप घर पे जो हम अपने हाथ से बनाते हैं ना उसकी खुशी और अलग ही होती है। अब चलिए तो देखिए अगला आइडिया हमारा, तो ये तो देखिए पुरानी साड़ी में से आप इस तरीके की स्कर्ट बना सकते हो बच्चे के लिए, लॉन्ग स्कर्ट, शॉर्ट स्कर्ट, जैसे भी आप स्कर्ट बनाना चाहो वैसी आप बना सकते हो। तो अगला आइडिया हमारा ये, तो ये मेरे पास एक मोटी साड़ी पड़ी हुई थी ब्लैक कलर की, तो मैंने ये इस तरीके से प्लाजो बनाया हुआ है। ये देखिए फुल प्लाजो है, ये मेरे साइज का है, मैं इसे 2 साल से पहन रही हूँ, अभी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, देखिए मोटा वाला कपड़ा है, तो इसे मैं 2 साल से पहन रही हूँ, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तो इस तरीके से भी आप यूज में ले सकती हो। और गाइज हमारे ये पूरे 20 के 20 आइडिया कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर करना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए कॉमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको इसमें से कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा बता देना कि इस चीज का वीडियो दे दो, मशीन कवर का चाहिए तो मशीन कवर का, पजामी का, प्लाजो का, जिसका भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करना, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि वो नंबर कभी मुझे खुद नहीं ध्यान कि कौन सा नंबर है, इसीलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, विदा लेती हूँ आपसे, बाय बाय।